हरियाणा में नई पंचायतों का गठन हो गया है, जिला परिषद के सदस्य पंचायत समिति के सदस्यों ने शपथ ले लिए है और पहली बार हरियाणा के विकास में पंचायत मंत्री रेवाड़ी पहुंचे हैं। नए प्रतिनिधियों को कुछ ऐसा एक गुरु मंत्र दे रहे हैं, क्या कुछ आज रेवाड़ी पहुंचे पर जानने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। सर आज आप रेवाड़ी पहुंचे हैं, आपने नए प्रतिनिधियों को पंच सरपंचों को संबोधित किया, क्या कुछ आपने उन्हें मैसेज देने का काम किया? देखिए जो हमारी नई पंचायत शुरू कराई थी, जो हमारे जितने भी पंचायत हमारे जनप्रतिनिधि शुरू कराए, आज जन संवाद प्रोग्राम हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के जिलावार रखा था, उसमें जितने आज हमारे जो विधायक हैं हमारे साथ, विधानसभा में हमारे भाई साहब भी हमारे साथ रहे और हमने सब ने जो सरकार की नीतियां हैं और गांव के अंदर आपने डेवलपमेंट कैसे करनी है उस पर साथियों से चर्चा की और जीरो टॉलरेंस पे जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री, हमारी हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, हम आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं किसी दूषण जी और देवेंद्र सिंह बाबरी जिस पर पूरे जोर तरीके से लगा हुआ है और इसके रिजल्ट भी आए। तो ई टेंडरिंग के माध्यम से हमने ब्लॉक लेवल तक हम इसको फाइल चली हुई है, माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करके 20 लाख तक की पावर BDPO लेवल पर कमेटी बनाकर जिसमें सरपंच हमारी चुनी पंचायत और इंजीनियरिंग टीम से JEE और SDO अकाउंट्स अधिकारी इसमें होंगे और हमारे BDPO होंगे, वो टेंडर लगाकर काम को पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता के साथ खाना काम करेंगे और उससे जो बड़े लेवल के काम होंगे वो जिला लेवल पर CEO और हमारे एक्शन मिलकर उसको नया काम करेंगे, जिससे एक पहले पंचायत पर शुरू से आप जब भी पंचायत जिस भी सरकार में पंचायत मंत्री रहे या पंचायतें बनी, आप देखेंगे बहुत से गाँवों के अंदर बहुत ज़्यादा केस सरपंचों पर, पैसे के घोटालों के अधिकारियों पर ब्लॉक लेवल पर जिला लेवल पर घोटालों के लगते थे और कई जगह जब उन पर कड़ी कार्रवाई सरकार ने पिछले जो देखा वह लेकर नया काम किया तो उसमें बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने, इसलिए सरकार ने एक बहुत बढ़िया मात्रा मिला है जिससे गुणवत्ता के साथ डेवलपमेंट बढ़ रहा है। आप मंत्री जी पहली बार गांव में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, अब तक सार्वजनिक रूप से होता था पहली बार हुआ, आपकी अपनी एक मंशा है कि गांव में ई लाइब्रेरी बने, जिम बने, क्या कुछ ऐसा पूरा आप एक रोड मैप देखते हैं जो हरियाणा में आने वाले दिनों में वो दिखाई देगा? देखिएगा जब बतौर पिछले साल दिसंबर में शीतकालीन बजट से पहले मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 70% आबादी हमारी हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण आती है, मेरा भी जन्म गांव की उन्हीं गलियों में हुआ और वही ड्यूटी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे देने लगा और हमने जब दो सरकार की स्कीम्स थी बनी उनको जब मैंने स्टार्टिंग में देखकर उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी उनको हम धरातल पर लेकर आने लगे हैं, जैसे पुरानी बिल्डिंगों को पूरा सड़क रोड मैप के साथ ब्लू प्रिंट पूरे हमारे एसेट्स कहते हैं हर गांव के, हमारी चाहे बिल्डिंग किसी भी नाम से बनी हुई हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, हमारे पॉन्ड्स हैं उनको हम कैसे दुरुस्त करें, पूरा एक ब्लू प्रिंट बहुत सूर्य कार्य उसको धरातल पर लेकर आने के लिए बहुत से कामों में हम पहल कर चुके हैं, जैसे मैंने वहाँ उन्होंने देखा भी होगा 3700 के आसपास बिल्डिंग डिपार्टमेंट में पूरे जिला बार हमारे पास चिन्हित होकर आए, ग्राम सभा बुलाकर सभी ग्रामवासियों की सहमति से हमने वहाँ पर 1200 के आसपास बिल्डिंगों का नवीनीकरण सुंदरीकरण के लिए लाइब्रेरी के लिए और 1000 के आसपास आधुनिक जिम महिला संस्कृति भवन का हमने टेंडर लगा दिया, काफ़ी टेंडर लग चुके हैं, अगले महीने ये बिल्डिंगें बिल्कुल एक थीम कलर थीम के साथ इसमें बच्चों को अट्रैक्ट करें, ई लॉयरी देने का काम करें जिससे हमारे गांव के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर होगा, ये प्रदेश पहला प्रदेश होगा जिसने पहल की। इसी प्रकार गरीब वाटर मैनेजमेंट में हमने 1800 फोन चिन्हित किए जिनको हमने ठीक करना और उसके अंदर हमने 3500 गांव को टारगेट किया और फर्स्ट फेज में वो काम अभी चला हुआ है और लगभग ये 3500 गांवों के टेंडर लग के इस बारिश सीजन तक हम उम्मीद कर रहे हैं 30 साल के अंदर अंदर हम उनको फर्स्ट फेज में बिल्कुल दुरुस्त करने का काम करें, उसके अंदर हमारी जो गांव की नालियाँ पानी ठहराव है और वेटलैंड या जैसे भी एज पर ग्राफिक नीड है टेक्निकली जो हमारा इंजीनियरिंग उसको पोर्ट अथॉरिटी के साथ ड्राइंग बनाकर देखकर उसको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे, ग्रीनरी को हम मिल जाना चाहते हैं, पूरा प्रबंधन से गांव की साफ सफाई हो उसके लिए अभी हमने 3 डिस्ट्रिक्टों में पायलट प्रोजेक्ट रूप में काम किया है, अगले 1.5-2 महीने के अंदर हम पूरे शहरों की तरफ पर गांव के अंदर भी कूड़ा प्रबंधन होगा, इसी तरह फिरणियों में लाइटों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने फूल दे दिया है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका टेंडर शुरू STP तो हमारे गांव का सलग निकलता था इसको खुले में शौच उठाएंगे, 22 फर्स्ट फेज में हम उनके टेंडर लगाकर
पोस्ट के अंदर जाकर उसका एनजीटी गाइडलाइन के तहत उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। तो ये 9-10 मूलभूत सुविधाएँ हैं, खेलों के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पीने का पानी देने की बात हो, सर्विस में बिजली देने की बात हो, ये सारी की सारी जो मूलभूत सुविधाएँ शहरों में हैं, पार्क बनाने की बात हो, ये गाँव तक हम इनको इनकी फाइलें और इन कामों के टेंडर हम शुरू करवा रखे हैं। ये मैं ये मानता हूँ अगर हम हमारी सरकार का जो हम सभी बाकी हैं उसमें हम हमारे प्रदेश का 1500 गाँव को अगर हम करने में कामयाब हुए तो आने वाले 3 साल अंदर आपको गांव के तस्वीर और नक्शा बदला मिलेगा। मंत्री जी, पंचायत विभाग को डिजिटल प्लेटफार्म दिया जा रहा है, आप खुद एक सख्त मंत्री के रूप में खुद एक संदेश देते हैं, ईमानदारी से काम करें। आप आज आपने सरपंचों से कहा, प्रतिनिधियों से कहा, क्या मानते हैं? पहले लगातार शिकायतें आती थी, अब इसमें कितनी पारदर्शिता आएगी? देखिए, जितने भी काम हैं हमने जियो टैग के साथ विद कोड उनको जोड़ने का काम किया, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमारे डिपार्टमेंट को मिले, हर डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लेके पारदर्शिता के साथ काम करने के अधिकारी प्रयास करते हैं। जब हमारे अधिकारियों के बार बार बैठक हमने ली, ऊपर सीएमओ के हमारे जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ ली, मैं ये मानता हूँ कि एक बदलाव आपको हमारे डिपार्टमेंट में और एक सुधार हमारे डिपार्टमेंट में जिसकी हम शुरुआत कर चुके हैं, जिसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और बेहतर दिशा में का काम करेंगे। अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पंचायत विभाग आपके पास है, विकास एवं पंचायत विभाग तेजी से काम भी, आप खुद आपकी सोच है, आज नए पंच सरपंच यहाँ पर आए, अब भी आपके साथ बहुत मौजूद है, कितनी डिमांड आई, कितने आपने लोगों को कहा कि आप हमें भेजिए, कितना क्या मानते हैं, कितने प्रोत्साहित होंगे, कितनी मांगे बहुत जल्दी आने वाली है? देखिए, जो सरकार सुविधाएं जैसे अब आप देखेंगे तो 15-20 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड को चिरायु का नाम देकर हमने लॉन्च किया और टारगेट लिया था कि हम दिसंबर महीने के एंड तक उस टारगेट को अचीव करेंगे। और 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत की, 10 लाख चिरायु कार्ड देने का काम किया। पीपीपी के अंदर परिवार पहचान पत्र के अंदर जो परिवार जुड़े हैं, जो हमारी बीपीएल की समस्या थी, आने वाले महीने में उसको लॉन्च करके ऑनलाइन आपको कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, 1,80,000 के जो परिवार उसके अंदर एलिजिबल है वो सुविधा लेने के हकदार होंगे। जब ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के ऑनलाइन हो जाएंगी तो उसके अंदर एक गुणवत्ता भी आएगी, पारदर्शिता भी आएगी। तो पहले पॉलिटिक लोग सिर्फ और सिर्फ एक वोट लेने की राजनीति करते थे, अब आने वाले समय में ये इधर उधर भटका के लोगों का दिमाग इधर उधर दुरुस्त करके डेवलपमेंट के लोग को वोट देते हैं और हमारी सरकार की मंशा डेवलपमेंट करके, माननीय मुख्यमंत्री जी जो सोच रखते हैं डेवलपमेंट के नाम पर वोट आए। आप देखें ना, 7वीं बार बीजेपी की सरकार गुजरात में बनी, वहाँ 3 बार हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मुख्यमंत्री रहे, अगर वहाँ डेवलपमेंट थी, 7-7 बार एक सरकार का रिपीट होना, तो डेवलपमेंट को लेकर वोट मिला है, तो ये इतिहास मैं मानता हूँ कि हम हरियाणा के साथ काम करें। मंत्री जी, अंतिम सवाल अंतिम सवाल ये है कि आप लगातार गांव में जा रहे हैं, लगातार मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो पहले कहा कि हम 26 जनवरी तक आप तिरंगा फहराएं, प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन को लेकर प्रेरित कर रहे हैं, क्या मानते हैं कितनी कामयाबी मिलेगी? अभी लगातार देखा जा रहा है पंच सरपंच उतने जागरूक नहीं, चुनकर तो आ गए लेकिन इस बार की विशेषता ये पढ़े लिखे पंच सरपंच है, क्या मानते हैं कितना कारगर साबित होगा? इसका बहुत फायदा होगा, ये जितने पंचायतें हैं ये लायक पंचायतें, इसमें लायक प्रतिनिधि बन कर, इसके 2-3 कारण है। एक तो आपने देखा होगा कि युवा पंचायतें बन गई, युवा हमारे ब्लॉक समिति या जिला परिषद सदस्य बन कर आए हैं, और जो 50% भागीदारी सरकार ने फैसला महिलाओं हमारी बहनों के लिए लिया है, ये भी इसमें कारगर साबित होगा। मैं ये नहीं कहता कि जेंट्स कम काम करता, लेकिन महिलाओं की उसके अंदर भागीदारी रहने से वो और एक्टिव होकर इसमें काम करेंगे, और जब ये पूरा आम नागरिकों को साथ लेकर निगरानी कमेटियाँ बनाकर एक जागरूकता फैलाना और लोगों को जागरूक करना ये सरकार का ध्येय है कि आम नागरिक के नाते अपने गांव, अपने प्रदेश, इस राष्ट्र के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियाँ हैं और जो पंचायत की धरोहर हैं, जो हमारी पंचायत की प्रॉपर्टियाँ हैं, मैंने अपील की आप श्रमदान दीजिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी जब वो पहली बार प्रधानमंत्री चुन कर आए थे, उस पर हमने फोटो सेशन का तो काम बहुत सी जगह लोगों ने बहुत उसको अमल किया, लेकिन बहुत सी जगह फिर वो राजनीति में चीज़ें बदल जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ फोटो पे चली जाती हैं। अब पिछले दिनों हमने पूरे हरियाणा प्रदेश का माननीय मंत्री बनने के बाद संत रविदास जयंती में 3 दिवसीय सफाई अभियान चलाया, वहाँ जहाँ हमारे चुने उस टाइम के जो जनप्रतिनिधि थे या अधिकारियों में कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लेकर काम किया, पूरे गाँव के नालियों के बाहर सड़कों पर जो रूढ़ी के ढेर थे साफ हुए, इसी प्रकार अब हमने एक अनुरोध किया है जो हमारा सफाई को लेकर कि आप श्रमदान दीजिए, जितनी चुनाई हुई हमारी प्रतिनिधि हों, उसमें चाहे विधायक हों, MP हों, हमारी पंचायतें हों, उसमें पंच सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और जो हमारी सोशल संस्थाएं हैं,
जो हमारे एक्स मिलिट्री मैन है, एक्स सर्विस मैन है, हमारे वो सारे के सारे हम एक दिन अगर मान लीजिए 7 बजे से लेकर हम 10 बजे शनिवार या संडे को अपनी जितनी संपत्तियां हैं उनकी सफाई भी हम छेड़ दें। 100 घंटे कितना टाइम होता है, सिर्फ 100 घंटे अगर हम हमारे गांव की देख रेख में लगाएंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपको गाँव के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर, खबरें अभी तक से बात करेंगे। ये थे मेरे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में उसका असर दिखाई मिले देगा और पंचायतों में काम भी होंगे। इन साफ तौर पर इनका कहना है कि अब ई टेंडरिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त अभियान शुरू भी किया जाएगा, जिस तरीके से कोई भ्रष्टाचार ना हो, पारदर्शिता आए। अपने सहयोगी राजेश शर्मा के साथ आलोक भंडोरिया, खबरें अभी तक रेवाड़ी।